हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ऑल इन वन। और आज हम आपको बताएंगे आप कैसे अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर को हाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नए यूट्यूबर्स के लिए व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वीडियो पुराने यूट्यूबर्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उसके वीडियो में अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो देख के उसको सिंपल सी बात है व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो नए यूट्यूबर्स के लिए क्या होता है कि देखिए, अगर वो बंदा कोई वीडियो डालता है उसके पास सब्सक्राइबर उतना नहीं है और मान लो 20 से 50 तक है या फिर 100 है, 100-150, ठीक है, उसके बाद एक वीडियो अपलोड करता है, वो वीडियो में कोई बंदा नए व्यूज़ जो पीपल है वो यूट्यूब में देख के उसको क्लिक करता है, उसके बाद वो बंदा सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर देखते हैं। वो वीडियो में आपका कितना भी नॉलेज हो, मतलब कितना भी इंटरेस्टेड हो, वो वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे, वो सब्सक्राइबर देखेंगे। और सब्सक्राइबर अगर आपके पास नहीं होगा तो वो वीडियो को मतलब कैंसिल करके कोई और वीडियो में चला जाएगा, स्किप करके, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर आप वीडियो में आपकी जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सब्सक्राइबर को वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसके बदले में क्या होगा कि आपका जो वीडियो है उसको वो पूरा देखेगा और उसे पता चलेगा कि हाँ भाई, इस बंदे में जो वीडियो अपलोड की है वो रियल है, वो मतलब एकदम जेन्युइन है, इसमें आइडियाज़ हैं, मतलब उसको पता चलेगा वीडियो के अंदर क्या है। तो वो क्या करेगा, आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो भी देखेगा और आपको सब्सक्राइब भी करेगा, ठीक है, और वो हर एक वीडियो देखेगा, ऐसे करके आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइब भी आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल सकता है, ठीक है। तो यूट्यूब में स्पेशली इसको दे चुका है, मतलब बहुत दिन पहले से, मतलब यूट्यूब की जो शुरुआत है वहाँ से भी ये आ चुका है। तो यही हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे, आपको तो पहले क्रोम खोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर की ये सेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको जाना है सर्च बॉक्स में और लिखना है यूट्यूब, ठीक है। तो मेरे पास कीपैड है तो मैं सिंपल सी बात है यहाँ से ही चला जाता हूँ। उसके बाद आपके जो राइट साइड है उसके कॉर्नर पे, एकदम टॉप कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपका बैनर, आपका चैनल का बैनर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा क्रिएटर स्टूडियो ये करके, तो यूट्यूबर को मस्ट ये पता रहता है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होने वाला है। तो ये आपका सेटिंग का कुछ एक पेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ एक लिस्ट टाइप का कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा चैनल करके कुछ, एक बार मार्क भी कर देता हूँ, हाँ ये जो चैनल का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करोगे इसका भी एक लिस्ट ओपन होने वाला है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन करके। तो यूट्यूबर को ये मस्ट रहता है, हर एक ऑप्शन का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा एडवांस करके, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा एडवांस करके, यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। तो एडवांस में आप जैसे जाओगे ये आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो चुका है मेरा, ठीक है। ऊपर में मेरा लोगो है चैनल का। यहाँ पे आप एकदम लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एक डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइबर टू माय चैनल, मतलब ये है कि आपके चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं वो देख सकते हैं पीपल। और नेक्स्ट में डू नॉट, मतलब आप वो नहीं देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा से टिक मार्क का जैसा है, उसके नेक्स्ट में आपको कर देना है डू नॉट में, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा दिया कि डू नॉट पे आपको देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी सेव कर देना है। सेव आप जैसे ही करोगे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, और लेने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो वो टिक मार्क है, वो डू नॉट पे आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम या तो फिर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, तो आपके कमेंट्स में उसका आंसर दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह की नॉलेजेबल मतलब वीडियो लेने के लिए और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, स्टे कूल, स्टे हैप्पी।